उत्पत्ति अध्याय 19। उत्पत्ति अध्याय 19। सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। सो उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौकी में रात बिताएंगे। और उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया। सो वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए जेवनार तैयार की और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। उनके सो जाने से पहले उस सदोम नगर के पुरुषों ने, जवानों से लेकर बूढ़ों तक, वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे कि जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं, वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई न करो। सुनो, मेरी दो बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। अच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आओ और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ न करो, क्योंकि ये मेरी छत के तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्याय भी बन बैठा है। सो अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन पाहुनों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। सो वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। फिर उन पहुनों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरे और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां, वह नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नाश करने पर है, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सन्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश किया चाहता है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने हारा सा जान पड़ा। जब वह फटने लगी, तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा कि उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म से भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। इससे उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा न कर, देख, तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा न हो कि कोई आपत्ति विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं और वह छोटा भी है, मुझे वही भाग जाने दे, क्या वह छोटा नहीं है? और मेरा प्राण बच जाएगा। उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती अंगीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नाश न करूंगा, फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां न पहुंचे तब तक मैं कुछ न कर सकूंगा। इसी कारण
उस नगर का नाम सोअर पड़ा। लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। भोर को इब्राहिम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नाश किया, तब उसने इब्राहिम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया और लूत ने सोर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोर में रहने से डरता था। इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगे। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए, सो आ हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोए, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। सो उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने न जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, सो आज भी रात को हम उसको दाख मधु पिलाए, तब तू जाकर उसके साथ सोना कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें। सो उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसको उसके भी सोने और उठने के समय का ज्ञान न था। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई और बड़ी ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम मोआब था। वह मोआब नाम जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। और छोटी पुत्र भी एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम बेनम्मी रखा। वह अम्मोन वंशियों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। उत्पत्ति अध्याय 20। फिर इब्राहिम वहां से कूच करके दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और इब्राहिम अपनी पत्नी सारा के विषय में कहने लगा कि वह मेरी बहन है। सो गरार के राजा अबीमलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमलेक के पास आकर कहा, सुन जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। परंतु अबीमलेक तो उसके पास न गया था। सो उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा कि वह मेरी बहन है? और उस स्त्री ने भी आप कहा कि वह मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है और मैंने तुझे रोका भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे, इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। सो अब उस पुरुष की पत्नी को उसे फेर दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको न फेर दे तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। बिहान को अबीमलेक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलवाकर ये सब बातें सुनाई और वे लोग बहुत डर गए। तब
अबीमलेक ने इब्राहिम को बुलवाकर कहा, तूने हमसे यह क्या किया है और मैंने तेरा क्या बिगाड़ा कि तूने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाला है। तूने मुझसे वह काम किया है जो उचित न था। फिर अबीमलेक ने इब्राहिम से पूछा, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? इब्राहिम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय न होगा, सो ये लोग मेरी पत्नी के कारण मेरा घात करेंगे, और फिर भी सचमुच वह मेरी बहन है। वह मेरे पिता की बेटी तो है पर मेरी माता की बेटी नहीं, फिर वह मेरी पत्नी हो गई। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, तब मैंने उससे कहा, इतनी कृपा तुझे मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ तू मेरे विषय में कहना कि यह मेरा भाई है। तब अबीमलेक ने भेड़ बकरी, गाय बैल और दास दासिया लेकर इब्राहिम को दी और उसकी पत्नी सारा को भी उसे फेर दिया। और अबीमलेक ने कहा, देख मेरा देश तेरे सामने है, जहाँ तुझे भावे वहाँ रह। और सारा से उसने कहा, देख मैंने तेरे भाई को रुपए के 1000 टुकड़े दिए हैं, देख तेरे सारे संगियों के सामने वही तेरी आंखों का पर्दा बनेगा और सबों के सामने तू ठीक होगी। तब इब्राहिम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे फिर से गर्भवती होने लगी, क्योंकि यहोवा ने इब्राहिम की पत्नी सारा के कारण अबीमलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। उत्पत्ति अध्याय 21। सो यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सो सारा को इब्राहिम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और इब्राहिम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। और जब इब्राहिम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब वह 100 वर्ष का था। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित कर दिया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। फिर उसने यह भी कहा कि क्या कोई कभी इब्राहिम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी, पर देखो मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ और वह लड़का बड़ा और उसका दूध छुड़ाया गया। और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन इब्राहिम ने बड़ी जेवनार की। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो इब्राहिम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ देख पड़ा। सो इस कारण उसने इब्राहिम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित बरबस निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी न होगा। यह बात इब्राहिम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। तब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे, जो बात सारा तुझसे कह रही है उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा सो इसहाक ही से चलेगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। सो इब्राहिम ने बिहान को तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। सो वह चली गई और बेर्शेबा के जंगल में भ्रमण करने लगी। जब थैली का जल चुक गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु देखनी न पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी और
परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआ दिखाई पड़ा, सो उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुर्धारी बन गया। वह तो पारान नाम जंगल में रहा करता था और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई। उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमलेक अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर इब्राहिम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है, सो अब मुझसे यहाँ इस विषय में परमेश्वर की क्रिया खा कि तू न तो मुझसे छल करेगा और न कभी मेरे वंश से करेगा, परंतु जैसी करुणा मैंने तुझ पर की है वैसी ही तू मुझ पर और इस देश पर भी जिसमें तू रहता है करेगा। इब्राहिम ने कहा, मैं किरिया खाऊंगा। और इब्राहिम ने अबीमलेक को एक कुएं के विषय में, जो अबीमलेक के दासों ने बरियाई से ले लिया था, उल्हना दिया। तब अबीमलेक ने कहा, मैं नहीं जानता कि किसने यह काम किया और तूने भी मुझे नहीं बताया और न मैंने आज से पहले इसके विषय में कुछ सुना। तब इब्राहिम ने भेड़ बकरी और गाय बैल लेकर अबीमलेक को दे दिए और उन दोनों ने आपस में वाचा बांधी। और इब्राहिम ने भेड़ की सात बच्ची अलग कर रखी। तब अबीमलेक ने इब्राहिम से पूछा, इन सात बच्चियों का जो तूने अलग कर रखी है क्या प्रयोजन है? उसने कहा, तू इन सात बच्चियों को इस बात की साक्षी जानकर मेरे हाथ से ले कि मैंने यह कुआ खोदा है। उन दोनों ने जो उस स्थान में आपस में क्रिया खाई, इसी कारण उसका नाम बेरशेबा पड़ा। जब उन्होंने बेरशेबा में परस्पर वाचा बांधी, तब अबीमलेक और उसका सेनापति पिकोल उठकर पलिश्तियों के देश में लौट गए। और इब्राहिम ने बेरशेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहां यहोवा जो सनातन परमेश्वर है उससे प्रार्थना की। और इब्राहिम पलिश्तियों के देश में बहुत दिनों तक परदेशी होकर रहा। उत्पत्ति अध्याय 22। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरियाह देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होमबलि करके चढ़ा। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो और यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। सो इब्राहिम ने होमबलि की लकड़ी लेकर अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब
इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सिंगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस मेंढे को ले लिया और अपने पुत्र की संति होमबलि करके चढ़ाया और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ रखा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब इब्राहिम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेर्शेबा को संग संग गए और इब्राहिम बेर्शेबा में रहता रहा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि इब्राहिम को यह संदेश मिला कि मिल्का के तेरे भाई नाहोर से संतान उत्पन्न हुए हैं। मिल्का के पुत्र तो ये हुए, अर्थात उसका जेठा ऊस और ऊस का भाई बूज और कमुएल जो अराम का पिता हुआ, फिर केसेद, हजो, पिलदाश, इदलाप और बतुएल। इन आठों को मिल्का इब्राहिम के भाई नाहोर से जन्म दिया और बतुएल ने रिबका को जन्म दिया। फिर नाहोर के रूमा नाम एक रखीली भी थी जिससे तेबह, गहम, तहश और माका उत्पन्न हुए। उत्पत्ति अध्याय 23। उत्पत्ति अध्याय 23। सारा की मृत्यु और अंतक्रिया का वर्णन। सारा तो 127 वर्ष की अवस्था को पहुंची और जब सारा की इतनी अवस्था हुई तब वह किर्यतर्बा में मर गई। यह तो कनान देश में है और हेब्रोन भी कहलाता है। सो इब्राहिम सारा के लिए रोने पीटने को वहां गया। तब इब्राहिम अपने मुर्दे के पास से उठकर हित्तियों से कहने लगा, मैं तुम्हारे बीच पहुन और परदेशी हूँ, मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए ऐसी भूमि दो जो मेरी निज की हो जाए कि मैं अपने मुर्दे को गाड़ के अपनी आंख की ओट करूं। हित्तियों ने इब्राहिम से कहा, हे हमारे प्रभु, हमारी सुन, तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है, सो हमारी कब्रों में से जिसको तू चाहे उसमें अपने मुर्दे को गाड़, हम में से कोई तुझे अपनी कब्र के लेने से न रोकेगा कि तू अपने मुर्दे को उसमें गाड़ने न पाए। तब इब्राहिम उठकर खड़ा हुआ और हित्तियों के सन्मुख जो उस देश के निवासी थे दंडवत करके कहने लगा, यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि मैं अपने मुर्दे को गाड़ के अपनी आंख की ओट करूं, तो मेरी प्रार्थना है कि सोहर के पुत्र एप्रोन से मेरे लिए विनती करो कि वह अपनी मकपेला वाली गुफा जो अपनी भूमि की सीमा पर है उसका पूरा दाम लेकर मुझे दे दे कि वह तुम्हारे बीच कब्रिस्तान के लिए मेरी निज भूमि हो जाए। और एप्रोन तो हित्तियों के बीच वहां बैठा हुआ था। सो
जितने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे उन सबों के सामने उसने इब्राहिम को उत्तर दिया कि हे मेरे प्रभु, ऐसा नहीं, मेरी सुन। वह भूमि मैं तुझे देता हूँ और उसमें जो गुफा है वह भी मैं तुझे देता हूँ। अपने जात भाइयों के सन्मुख मैं उसे तुझको दिया देता हूँ, सो अपने मुर्दे को कब्र में रख। तब इब्राहिम ने उस देश के निवासियों के सामने दंडवत की और उनके सुनते हुए एप्रोन से कहा, यदि तू ऐसा चाहे तो मेरी सुन, उस भूमि का जो दाम हो वह मैं देना चाहता हूँ, उसे मुझसे ले ले, तब मैं अपने मुर्दे को वहां गाड़ूंगा। एप्रोन ने इब्राहिम को यह उत्तर दिया कि हे मेरे प्रभु, मेरी बात सुन, उस भूमि का दाम तो 400 शेकेल रूपा है, पर मेरे और तेरे बीच में यह क्या है, अपने मुर्दे को कब्र में रख। इब्राहिम ने एप्रोन की मानकर उसको उतना रूपा तौल दिया जितना उसने हित्तियों के सुनते हुए कहा था, अर्थात 400 ऐसे शेकेल जो व्यापारियों में चलते थे। सो एप्रोन की भूमि जो ममरे के सन्मुख की मकपेला में थी, वह गुफा समेत और उन सब वृक्षों समेत भी जो उसमें और उसके चारों ओर सीमा पर थे, जिसने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के सामने इब्राहिम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। इसके पश्चात इब्राहिम ने अपनी पत्नी सारा को उस मकपेला वाली भूमि की गुफा में जो ममरे के अर्थात हेब्रोन के सामने कनान देश में है मिट्टी दी और वह भूमि गुफा समेत जो उसमें थी हित्तियों की ओर से कब्रिस्तान के लिए इब्राहिम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई।